भारतीय जनता पार्टी ने रांची से जन आक्रोश रैली की शुरुआत की है। रांची में आज भाजपा ने रैली निकालते हुए हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ का नारा लगाया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित जन आक्रोश यात्रा में कार्यकर्ताओं के साथ उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया गया। इस दौरान प्रमुख रूप से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश सहित अन्य वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। 21 नवंबर से भाजपा प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन करने जा रही है। ये आंदोलन रांची से शुरू हुआ है और 25 नवंबर को दुमका में खत्म होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा, हम जनता के दिल की आवाज को उठा रहे हैं। हेमंत सरकार भ्रष्टाचार चरम पर है। राज्य में सब कुछ ठीक नहीं है। राज्य में राजनीतिक वित्तीय अराजकता है। राज्य के माथे को हेमंत सरकार ने कलंकित कर दिया है। 32 महीने से राज्य में लूटा जा रहा है। शून्यता और लूट की झूठ की सरकार, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली सरकार से जनता निजात पाना चाहती है। भ्रष्टाचार की परिकाष्ठा हो गई है, उसके खिलाफ जनता की आवाज की अभिव्यक्ति भारतीय जनता पार्टी बनी है और उसी के दृष्टिकोण से 2400 जिले में उल गुलान की तरह प्रदर्शन करने का संकल्प। दो 263 प्रखंडों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ है। अब 24 जिले में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आने वाला समय पूरे प्रदेश में ये कार्यकर्ता और जनता इस रांची में जुट करके सरकार के खिलाफ जन संघर्ष का आह्वान करो। भारतीय जनता पार्टी डरने वाले चुनिया मंडल से आए हुए करके आए हैं। हमने कहा कि सैकड़ों की संख्या में चुनिया मंडल के अध्यक्ष हथकड़ियों में सुधीर वर्मा जी के नेतृत्व में हमारा देखा है। महिला मोर्चा के अध्यक्ष अनिता वर्मा जी के नेतृत्व में आए हुए महिला वर्गों का हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का हार्दिक। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।